हाय फ्रेंड्स, वी आर पोस्टिंग डेली वीडियोस अबाउट लेटेस्ट एग्जाम। सो गाइस, मैं एग्जाम से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज मैं बताने वाला हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट हैज पोस्टपोन्ड द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस मेन एग्जाम 2019। सो गाइस, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस मेन एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। द एग्जाम मेन एग्जाम वर्क स्लॉटेड टू कंडक्टेड ऑन 14th मार्च और 15th मार्च को 2020 को यह एग्जाम होना था अर्लियर। देर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू डेट्स। वंस इट इज आउट इट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सो गाइस, अब ये किस तारीख को होगा ये अभी तक अनाउंस नहीं किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नई डेट्स निकलेंगी इस एग्जाम की, मेन एग्जाम की, आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। The notice released on the Delhi High Court official website reads that the decision has taken in order to prevent and control the outbreak of novel coronavirus, which is a pandemic disease. Viva also to be held for candidate who qualified in the prelim exam along with the main exam. The Viva was set to begin on 23rd March and admit cards for the interview process were to be out on 14th March. However, due to all this, the result declaration also been postponed. Due date will be announced soon. So this is the update. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।